आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इंदौर के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच योग दिवस मनाया। तुलसी सिलावट ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के संग योगा किया और योग के फायदे भी गिनाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य शासन द्वारा वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन भी किया जा रहा है। इंदौर में भी इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि योग संयम, धैर्य और सकारात्मकता सिखाता है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में योग भी अपनी सार्थक भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन महायोत्सव मना रहे हैं। तुलसी सिलावट ने बताया कि इंदौर में हमेशा रचनात्मक कार्य करके सभी को प्रेरणा देने वाला कार्य किया है और स्वच्छता में सिरमौर, इंदौर वैक्सीन में भी इतिहास रचने जा रहा है। योग दिवस है, ये विश्व योग दिवस को हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने एक नए संकल्प के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी का कोशिश है, ये प्रयास है पूरे विश्व के साथ भारत भी योग दिवस में सकारात्मक भूमिका हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कर रहा है। योग जोड़ता है, योग संयम, धैर्य, सकारात्मक सोच, नए विचारधारा हमें देता है। योग को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। योग जो ये महामारी आई है, आपदा आई है, ये संकट, योग एक बड़ी रक्षा हमें कर सकता है।